नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यः। प्रिय बंधुओं, ज्योतिष धर्म चैनल में आपका स्वागत है। पंडितराज जगन्नाथ ज्योतिष शोध संस्थान के अंतर्गत हम जून महीने का वृष राशि और वृष लग्न वालों के लिए फल विवेचन करेंगे। सामने कुंडली आपको दिख रही है। सूर्य और बुध दिग्बली होकर के केंद्र में विराजमान है। आपके आत्मविश्वास की बहुत वृद्धि करेंगे। आपके अंदर शासन सत्ता, इन सब से आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। देवगुरु बृहस्पति राहु के साथ विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। उनकी पांचवी दृष्टि चतुर्थ भाव पे है, तो यदि कोई मुकदमा चल रहा है तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। सूर्य बुधाति योग जो कि राजयोग निर्माण कर रहे हैं, सूर्य और बुध पंचमेश चतुर्थेश और पंचमेश दोनों एक साथ होकर के, तो ये धन में आपको लाभ पहुंचाएंगे। किंतु द्वितीय स्थान में सूर्य से सूर्य वालों को वाणी पर कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है और साथ ही नेत्र विकार की संभावना रहती है। सूर्य का राशि परिवर्तन होगा 15 जून के आसपास, तो 15 जून के बाद से आपके धन योग बहुत जबरदस्त तैयार होंगे और जो शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो शेयर मार्केट के निवेश में भी उनको बहुत लाभ होगा। काल पुरुष की कुंडली यदि हम देखें तो काल पुरुष की कुंडली से समानता लिए हुए आपके शनि गुरु सूर्य उच्च के हो जाते हैं और बुध और शुक्र, क्योंकि तीन नंबर की काल पुरुष की राशि यहां आती है और दो की यहां आती है, तो इन दोनों का राशि परिवर्तन काल पुरुष की कुंडली से भी ये बहुत धन आदि में वृद्धि करने वाला है। बृहस्पति की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है, अष्टमेश बृहस्पति विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो इस काल वृष लग्न की और वृष राशि के जातकों के लिए जून का महीना धन और इच्छा पूर्ति के संबंध में बहुत जबरदस्त सिद्ध होने वाला है, क्योंकि इसमें कई विपरीत राजयोग आपके जून के माह में तैयार होंगे। जून और विपरीत राजयोग माने धन की प्राप्ति, हर जगह से आपको शनि थोड़ा सा परिश्रम करेंगे तो आपकी प्रमोशन इन सबको कराएंगे, या जब शनि बकरी होंगे तो और अच्छे फलों को आपको देने वाले होंगे। तो और आप एक और विशेषता कुंडली में ये गोचर बन रहा है जून का महीना कि इस लग्न से सभी ग्रह तात्कालिक मैत्री के लिए हुए बैठे हुए हैं। केवल एक केतु छठे भाव में है जो शत्रुओं का समन तो करते हैं, किंतु स्वास्थ्य के प्रति भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपके कर्ज इत्यादि को भी ये समाप्त करेंगे और आपको बहुत सारे लाभ, क्योंकि तात्कालिक मैत्री बना करके सारे ग्रहों के बैठने से आपको लाभ मिलेगा। जून के महीने में 13, 14, 15, 22 और 27 जून को बहुत सावधानी रखनी है। अशुभ योग इस समय इस दिन बन रहे हैं तो थोड़ा सावधान रहें। 7, 8, 9, 10 जून को आपको विशेष लाभ प्राप्त होंगे, आपकी मनोकामनाएं इच्छाएं पूर्ण होंगी। यह जून महीना इस तरह निकलेगा। जय जय श्री राधे।